लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताइए कि हम मान लो पेज बनाए, ठीक है, तो स्टार्टिंग में व्यूज कैसे है, क्योंकि व्यूज का सबसे बड़ा झंझट है भैया, यही नहीं आता यार। हाँ भैया, एड्स ऑन रील ये आता कैसे है? मेरे दोस्त, आप फेसबुक से पैसा कैसे कमा सकते हो? ना कोई फॉलोअर की रिक्वायरमेंट है, आपके पास अगर 10 फॉलोअर है तब भी आप फेसबुक से पैसा कमा पाओगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, मैं इनकी आईडी को ओपन करता हूँ, यहाँ पर वीडियो में ध्यान सुनिएगा। देखिए यहाँ पर इनकी आईडी पर जाते हैं, जाने के बाद मोनेटाइजेशन सेक्शन में जाते हैं, उसके बाद इनकी एड्स ऑन रील की, एड्स ऑन रील का यहाँ पर अर्निंग देखो $447, जो कि होता है तकरीबन 37,000 से 38,000 के आसपास, ठीक है, क्योंकि डॉलर ऊपर नीचे होता रहता है, कभी कभी 40,000 रुपये हो जाएगा। बिना कोई क्राइटेरिया के आप हर महीने 40 से 50,000 रुपये कमा सकते हो। और ये कैसे कमाते हैं, एक एप्लीकेशन से वीडियो को डाउनलोड करते हैं और फेसबुक पे अपलोड करते हैं, दिमाग लगा के पैसा कमाते हैं बिना कोई मेहनत का। तो भाई एड्स ऑन रील का कोई क्राइटेरिया है? जी नहीं, कोई क्राइटेरिया नहीं है। कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो आज ये आपको बताएंगे कैसे आप अपने फेसबुक पे, जी हाँ अपने फेसबुक आईडी पे कैसे एड्स ऑन रील ऑन कर सकते हो और कैसे फेसबुक से पैसे कमा सकते हो, कैसे ये कमाते हैं। तो आज की वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि आपका नाम क्या है, आप कहां से हो और चैनल का क्या नाम है? जी रोहित भैया, पहले तो आपको नमस्कार, हर हर महादेव। मेरा नाम मेरा नाम है गौतम जगदीश भाई गोंडलिया और मैं सूरत से बिलोंग करता हूँ, गुजरात, जो हमारे सूरत सिटी है वहाँ से मैं रहने वाला हूँ। और फेसबुक पर मेरा पेज है MBS Fact, और मैं बस उसी में एड्स ऑन रील्स और उसमें रील्स अपलोड करता हूं और उसी से मेरी कमाई हो रही है। अच्छा, आपका टोटल अभी कितने पेजेस हैं? मेरे अभी तक में भाई 7 पेजेस हैं, और एक पेज है भैया, मैं बताना भूल गया, जो एक और एक पेज है वो मेरी बहन को मैंने दिया है, जिसमें एड्स ऑन रील्स के लिए आ चुका है, जिसको अभी 2-3 दिन ही हुए हैं और उसमें भी अभी $12 बन चुका है। मतलब एड्स ऑन रील ऑन हो गया, उसमें कितना फॉलोवर है? उसमें तकरीबन 3700 फॉलोवर्स है। 3700 फॉलोवर्स है, एड्स ऑन रील ऑन हो गया जी भैया। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और सबसे पहले जितने भी व्यूवर हैं, मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि वीडियो को यार पूरा देखा करो, स्किप कर करके वीडियो देखते हो। जो लोग पूरी वीडियो देखते हैं वो सीखते हैं, और यहाँ तक कि जो भाई बैठे हैं जो पैसा कमा रहे हैं वो मेरे ही इंटरव्यू से सीख कर पैसा कमाया जी भैया। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं कमा पाते क्योंकि वीडियो को स्किप कर करके देखेंगे, आधा आधा पार्ट करके देखेंगे, पूरी बात समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में लंबी लंबी ज्ञान लिख देंगे। पहले पूरी बात को समझा करो, सुना करो जो बंदा बता रहा है, या कि जब वो कमा रहा है तो सही रास्ता आपको बताएगा ना वो बंदा। लेकिन कमेंट में जो कुछ नहीं कमाता वो ज्यादा ज्ञान दे देता है। तो यही सारी चीजें हैं कि ध्यान से देखिए वीडियो, अब सबको समझिए, आपको पूरी की पूरी जो भी कहीं भी कंफ्यूजन ना हो पूरा का पूरा क्लियर करने की कोशिश किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले आप ये बताइए कि आप फेसबुक से पहले क्या करते थे, कैसे आप फेसबुक के रास्ते पे आ गए? भैया पहले तो मैं अपने बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहूंगा। पिताजी तो है ही नहीं, पिछले 9-10 साल हो गए उनको, उनकी डेथ हो गई। मम्मी है और बहनें हैं, और मैं पिछले 6-7 साल से भैया पत्रकारिता करता था गुजरात में। फिर क्या हुआ कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो गए फैमिली में, तो मैंने पत्रकारिता में से फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दिया, मतलब कैमरे के सामने आना बंद कर दिया और घर पे बैठ के क्राइम रिपोर्ट्स लिखना शुरू कर दिया। मैं घर पे बैठ के ही फ्रीलांसिंग का काम करता हूँ, वही पत्रकारिता ही है लेकिन घर पे बैठ के करता हूँ, मैं बाहर जाके काम नहीं करता। अच्छा, आप जब ये सब काम कर रहे थे तो फेसबुक के बारे में आइडिया कैसे लगा कि यार सोशल मीडिया से पैसा कैसे कमाएं? आपके बारे में कैसे आपको आइडिया लगा कि यार फेसबुक से भी पैसा कमा जाता है? भैया 9 महीने पहले मैं यूट्यूब पे जस्ट सर्च कर रहा था कि फेसबुक और यूट्यूब से इनकम कैसी हो, तो उस टाइम पे आपका एक चैनल आया रोहित राज मोटिवेशन में, और उसमें बताया जाता था कि फैक्ट चैनल बना के आप पैसा कमा सकते हो यूट्यूब से। तो मैंने आपके वीडियोस देखे जिसमें फेसबुक की बात आती थी, जब आपके आज से 3-4 महीने पहले एक और वीडियो अपलोड हुआ था, आपका पॉडकास्ट हुआ था, जिसमें बताया जाता था फेसबुक से भी इनकम होती है। अब वो वीडियो देखने के बाद मैंने पेज क्रिएट किया, तो मैंने मजाक में नवम्बर महीने में स्टार्ट किया, मतलब मेरी ही वीडियो देख जी आपका वीडियो ही देखा था, पॉडकास्ट चल रहा था, आपका वीडियो देखा और उसमें बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि प्रोफाइल से ज्यादा पेज पे इनकम है और आप मेहनत करोगे तो फल मिलेगा। और ये तो भैया सीधी बात है, अगर मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा, अन्यथा तो कुछ मिलना नहीं है। सही बात है। तो आपकी उस वीडियो को देख के मैं इतना इंस्पायर्ड हुआ, तो मैंने मजाक में 2-3 पेज बना दिए। सही बात है। और अभी आपका इसी फरवरी, क्योंकि आज है शायद 12 तारीख है ना, तो आज 12 तारीख है, 22 तारीख को, 22 फरवरी को इनका नेक्स्ट पे आउट होगा। तो कहने का मतलब ये कि दिसंबर से इन्होंने चैनल स्टार्ट किया और पैसा कमाना ये शुरू कर दिया, क्योंकि सही चीज को सीखा और सही चीज को अप्लाई किया अपने चैनल पे अपने पेजेस। तो अब बात करते हैं कि आप वीडियो की अपलोड करते हो अपने फेसबुक आईडी पे। रोहित भैया मैं ज्यादातर जो वीडियो मेरे होते हैं वो कपल्स के रिलेटेड होते हैं, और वो चाइना से ही, चाइना एप्लीकेशन से ही मैं काम करता हूँ। अब मैं
चाइना के बारे में तो आप जानते हैं कि उसके एप्लीकेशन का नाम तो नहीं ले सकते लेकिन हाँ सही बात, मैं उनके ही कपल्स वाले जो आज की जनरेशन को पसंद आते हैं, मतलब इतने खराब वीडियो भी नहीं, वो अच्छे वीडियो होते हैं कपल्स वाले, और उसको मैं वहां से कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे थोड़ा कलर ग्रेडिंग कर देता हूँ और बाद में अपने ऑडियो बना के डाल देता हूँ। अच्छा, आप आईडी पे काम करते हो या फिर पेज पे काम करते हो, कौन बेस्ट होता है, फेसबुक आईडी या फिर फेसबुक पेज? भैया सच बताऊँ तो फेसबुक पेज ही बेस्ट है। प्रोफाइल पे इतना इनकम नहीं होता है जितना पेज पर होता है, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हो रहा है, मैंने जिन प्रोफाइल पे काम किया है उसमें अभी तक मुझे एड्स ऑन रील्स भी नहीं मिला है, लेकिन पेज वही प्रोफाइल के अंदर मैंने पेज ओपन किए तो मुझे पेज में इनकम हुआ है। अच्छा, आप चाइना की वीडियो उठाते हो, फेसबुक पे डालते हो और कोई कलर ग्रेडिंग भी करते हो, कुछ म्यूजिक व्यूजिक सुनते हो कि आप डायरेक्ट अपलोड कर देते हो? मैं जो भी वीडियो उठाता हूँ, कॉपी पेस्ट करता हूँ, उसको मैं पहले तो कलर ग्रेड करूंगा, मैं कोई भी कट्स नहीं लगाऊंगा उसमें, सिर्फ कलर ग्रेड करूंगा और उसके बाद में फेसबुक पे अपलोड करूंगा। लेकिन अब तो जबकि मुझे एड्स ऑन रील्स मिल चुका है, इसलिए मैं खुद के ऑडियो भी क्रिएट करता हूँ, उसके साथ मैं अपलोड करता हूँ। अच्छा, खुद की ऑडियो कैसे क्रिएट करते हो आप? भैया खुद के ऑडियो क्रिएट करने के लिए कैपकट यूज करता हूँ एप्लीकेशन, और उसके अंदर मुझे विदाउट कॉपीराइट, मतलब जो कॉपीराइट म्यूजिक्स नहीं होते हैं वो मिल जाते हैं, वो ले लेता हूँ। और यूट्यूब से मैं लूफी सॉन्ग लेता हूँ, उसमें से कुछ मेन पार्ट कट करके इसके साथ ऐड करके अपलोड करता हूँ। तो मतलब ये है कि ये वीडियो उठाते हैं एप्लीकेशन से, उसके बाद थोड़ा बहुत एडिट करते हैं, अपना एफर्ट डालकर डायरेक्ट ले जाकर फेसबुक पर अपलोड कर देते हैं और एड्स ऑन रील की मदद से ये पैसे कमा रहे हैं। अच्छा, ये हमको बताइए कि एड्स ऑन रील तो ठीक है, कैसे ऑन किया जाता है इसके बारे में आगे बात करेंगे। अभी आप महीने कितना पैसे कमा रहे हो, पर डे कितना व्यूज पे कितना पैसे मिल रहा है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताइए कि हम मान लो पेज बनाए, ठीक है, तो स्टार्टिंग में व्यूज कैसे है, क्योंकि व्यूज का सबसे बड़ा झंझट है भैया, यही नहीं आता यार। हाँ भैया, उसके लिए देखिए, मैं अगर अपनी थियोरी के हिसाब से, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है उसकी थियोरी के हिसाब से लोगों को बताना चाहूंगा, और जो भी आपकी ऑडियंस देख रही है, कृपया इसको भैया के वीडियो को आप पूरा देखें, कट ना करें, नहीं तो आगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा। और रोहित राज मोटिवेशन चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना। मैं आपको ये थियरी बताता हूँ एड्स ऑन रील्स पे व्यूज कैसे आते हैं। जो भी वीडियो आप अपलोड करोगे तो आपको अपलोड है ना, जहाँ से पेज में हम प्रोफाइल डैशबोर्ड पे जाएंगे, भैया स्क्रीनशॉट लगा देंगे कहाँ से वो अपलोड करना है, सिर्फ रील्स का बता रहा हूँ, तो रील्स के बारे में ही बताऊंगा। तो वो जो प्रोफेशनल अपना प्रोफाइल डैशबोर्ड है, जहाँ पे हम प्रोफाइल ओपन करेंगे, वहाँ पे एक रील्स का ऑप्शन आता है, वहाँ पे हमको क्लिक करना है, वहीं से हमको वीडियो अपलोड करना है, और हैशटैग आपको ट्रेंडिंग 10 तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, 7-8 लगा लो। टाइटल की कोई चिंता की जरूरत नहीं, अगर आप टाइटल में इमोजी भी डालोगे तो भी चलेगा। पहले वायरल करने के लिए कोई भी ट्रेंडिंग ऑडियो ले लीजिए, कोई भी, जहां पे ट्रेंडिंग लिखा है और उसका ऑप्शन दिख रहा है, आग वाला सिंबल होगा वहां पर, तो वो आप ले लो, आपका वायरल होगा। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, विदाउट मेहनत कुछ नहीं मिलेगा। सही बात है, बिना मेहनत का ये मत सोचो कि यार हम जाकर बस सिंपल देखें और आराम से पैसा भरें जेब में। एक बात याद कर लो, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो, जो जंगल देखने में जितना शांत खामोश होता है वो जंगल उतना ही खतरनाक होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से लोगों को दिखता है यूट्यूबर बनना आसान है, वीडियो तो ही बना रहे हैं और क्या कर रहे हैं, अरे फेसबुक पे बस कॉपी पेस्ट तो कर रहे हैं और क्या मेहनत कर रहे हैं। लेकिन एक यूट्यूबर से पूछो, एक क्रिएटर से पूछो कि कितनी मेहनत करता है, एक क्रिएटर से पूछो जब उसकी वीडियो में एक डिसलाइक हो जाता है ना तो उसके दिल पे क्या बीतती है, क्यों क्रिएटर जान पाएगा जो रात दिन करके वीडियो बना रहा है। अभी रात के 8-9 बज रहे हैं फिर भी हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं जी भैया, और दिन में 4-5 वीडियो शूट हुई फिर भी एनर्जी बरकरार है, क्यों, क्योंकि वीडियो बनाने का जज्बा। तो अभी देखिए भाई, अभी कितनी वीडियो काम किए होंगे, काम करने के बावजूद भी अभी रात के 7-9-10 बज रहे हैं, अभी 10 बज रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं और एनर्जी बरकरार है, और काम में थक जाएंगे लेकिन ये क्योंकि यूट्यूबर है, वीडियो बनाने के लिए पागलपन है। अब ये मेहनत है हम लोगों की, लेकिन ये मेहनत केवल यूट्यूबर समझेगा और कोई नहीं समझ पाएगा, इसलिए हर एक काम के पीछे मेहनत होती है, मेहनत करो आपको सफलता, आपको पैसा सब कुछ मिलेगा। चलिए भाई अब एक चीज और बात करते हैं, एड्स ऑन रील ये आता कैसे है, क्योंकि यही सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये है कि यार किसी आईडी पे तो एड्स ऑन रील देता है, किसी पे नहीं देता है, ये फेसबुक ऐसा खासा गांजा पी के बैठा है, तो कैसे आपको दिया है? भैया एड्स ऑन रील्स लेना है जिसको भी, उसको पहले तो एक चीज को समझना है, खुद फेसबुक कहता है कि एड्स ऑन रील्स कैसे मिलेगा। आप उसके जब भी आप उसके बारे में पढ़ोगे, आप उसके पेज पे जाके एड्स ऑन रील्स के बारे में पढ़ते हैं, तो वो ये कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके ओरिजिनल कंटेंट चाहिए और सेम होने चाहिए। ठीक है, हम कॉपी पेस्ट करते हैं इसलिए ओरिजिनल कंटेंट नहीं होते हैं,
लेकिन अगर सेम टू सेम एक ही इंसान के वो रेगुलर वीडियो अपलोड होते रहेंगे और वो वायरल होंगे तो वो उसको एडजोन रील्स मिलेगा। अब लोग ये भी पूछेंगे कि भाई कितनी रीच, कितनी एंगेजमेंट, कितनी लाइक्स चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ, फॉलोअर्स कोई मैटर नहीं करता। मेरे ही जब मुझे ये मिला था एडजोन रील्स, तो मेरे एक मित्र है, मैंने उनको भी ये बात समझाई थी, उनको सिर्फ 1500 फॉलोअर्स हुए थे और 4 मिलियंस की उनकी रीच थी, तो उनको एडजोन रील्स मिल गया था। देखिए, खुद शेयर मत करो। लोग कहते हैं कि रील्स शेयर करने से वायरल होगा। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और एक शेयर करूंगा, आप कभी भी अपने मोबाइल से या फैमिली के मोबाइल से शेयर मत करना। इसका कारण एक है, देखिए हम एक ही जगह से अगर वायरल करते हैं ना, तो हमसे 10 गुना एल्गोरिदम फास्ट चलता है, वो समझ जाता है, वो लोकेशन ट्रैक कर लेता है, यहीं से वायरल करने के लिए ये शेयर कर रहे हैं। पहले तो रील्स अपलोड कर, पहले अपलोड करने के 72 घंटे तक उसको अपने हिसाब से चलने दो, शेयर ही मत करो। और जब वो कोई आपको फॉलो कर रहा है या आपकी रील्स देख रहा है, अच्छी लग रही है, तो वो उसके लोकेशन से जब शेयर करता है ना, तो वो रील्स ऑटोमेटिकली वायरल होती है। लेकिन जब आप खुद करते हो तो वो समझ जाता है कि भाई ये तो 10 फुट के दायरे में से ये तो वायरल कर रहा है, या तो 10 किलोमीटर के दायरे में से भी होगा तो भी चलो वायरल कर देगा। लेकिन ऐसे नहीं होता है, तो एल्गोरिदम को अगर सेट करने दोगे तो बहुत काम लगेगा और वायरल हो भी जाएगी, और एडजोन रील्स तो मिलेगा ही मिलेगा। बस उस पे ये फोकस रखना है कि सेम कंटेंट, मतलब मेरा फेस वाला वैल्यू है तो मेरे फेस की ही वैल्यू चलाओ, उसमें कोई दूसरा रील्स अपलोड मत करो। मतलब मिलता जुलता सेम का सेम कंटेंट हो, जैसे अभी हम लोग यूट्यूब पे एग्जांपल में लोग ज्यादा समझ पाएंगे, जैसे यूट्यूब पे मेरा सेम कंटेंट जी यूट्यूबरों के लिए मोटिवेशन देना, यूट्यूबरों के लिए टिप्स देना जी, ठीक है, पॉडकास्ट करना तो सेम कैटेगरी का, और पॉडकास्ट कर रहे हैं या फिर टिप्स बता रहे सेम, तो क्या ये सिमिलैरिटी पकड़ के चलेंगे ना, तो सेम वही चीज रील पे भी चाहिए फेसबुक। आप सेम बनाओ, ऐसा नहीं कि आप कहीं टेक मार रहे हो, फिर कहीं मूवी अपलोड कर दे रहे हो, कहीं भोजपुरी गाना घिसोड़ दे रहे हो, कहीं अपन लेक्चर दे रहे हो, तो वो कहता है तुम कुछ भी करो लेकिन सेम करो, लेक्चर दे रहे हो तो लेक्चर दो, कॉमेडी करो कॉमेडी दो, बाकी जो भी करो लेकिन सेम करो। कैटेगरी, जो जिसको हम कैटेगरी बोलते हैं, नीच बोलते हैं, हाँ सेम कैटेगरी पे काम। हाँ, और इस पे एक और चीज भी है, जब भी रील्स की बात आती है, एडजोन रील्स पे काफी लोग थोड़ा वो टेंशन लेते हैं क्यों नहीं आ रहा है, आप लाना ही है तो उस पे ही वर्क करो, फिर इंस्ट्रीम एड्स छोड़ दो। अगर एडजोन रील्स पे काम करना है ना, तो रील्स के अकॉर्डिंग ही काम करो, आपका इंस्ट्रीम एड्स तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा, तभी आपके पेज वायरल होंगे, फॉलोवर्स भी तभी ही मिलेंगे, जल्दी रील्स पे मिलते हैं, और पैसा भी ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता, पैसा भी दम के मिलता है रील्स पर। सही बात है, तो ये तो हो गया एड्स ऑन रील कैसे ऑन होता है। कोई फॉलोवर की क्राइटेरिया नहीं है, चाहे 5 हो, चाहे 50 हो, चाहे 1500 हो, कोई क्राइटेरिया नहीं, बस आपको अपना रेगुलर फेस के साथ या फिर बिना फेस के साथ लेकिन रेगुलर काम करना होगा, ठीक है, एक ही कंटेंट पे एक ही कैटेगरी में, तो आपको एड्स ऑन रील मिलने का चांस 90% मिल जाता है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, अभी आप जैसे ये $450 के आसपास आपकी अर्निंग है एड्स ऑन रील, ठीक, तो वो कितने रीच पर कितने व्यूज पे आपको मिला है, कुछ अंदाजा बताएंगे क्या है? जी भैया, देखिए रील्स का जो डॉलर बनता है वो थोड़ा अलग प्रकार से उसका थियरी काम करता है। अगर आपके इंडियंस फॉलोवर्स हैं और आपकी रील्स इंडिया में देखी जा रही है, तो ये मान के चलिए कि 1000 व्यू पे आपके ज्यादा से सॉरी हाँ 1000 व्यू पे आपके बहुत कम डॉलर बनेंगे, और 1 लाख की मैं बोल देता हूँ, इंडिया में अगर आपके सारे व्यूअर्स इंडिया के ही हैं फेसबुक रील्स पर, तो 1 लाख पे आपके ज्यादा से ज्यादा $2 से $2.5 ही बनेंगे। लेकिन वही रील्स इंडिया के बाहर कोई भी विदेशी देख रहा है और 1 लाख व्यूज आ रहे हैं, तो कम से कम $8 से $9 बनते हैं। तो समझ के चलिए कि कितने मिलियंस पे कितने चले जाएंगे। 1 मिलियन पे आपको $80 से $90 मिल सकते हैं, और मुझे मिला है, मेरी एक रील पे ही मुझे 5 मिलियंस व्यू आए थे, तो $376 बने हैं उसके। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से काम करता है ये रील्स का इनकम। मतलब आपकी जो ऑडियंस है जी, वो फॉरेन से देखी जाती है, और फॉरेन का RPM तो भाई यूट्यूब पे भी फॉरेन में RPM बहुत ज्यादा है, और फेसबुक में भी फॉरेन का RPM बहुत ज्यादा है, ये पता नहीं ये लोग क्या भेदभाव करते रहते हैं। जी, बहुत अलग। लेकिन सच्चाई यही है कि विदेश में जो होता है, जैसे अभी देखो यूट्यूब पे भी RPM यहाँ पर $1-$2 मिलेगा, तो वहां पर $4-$4 है RPM, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कैटेगरी और कीवर्ड के ऊपर। अब बात करते हैं जैसे आपकी वीडियो कहाँ से देखी जाती है, आपकी व्यूअर जो है कहाँ से हैं, इंडिया से हैं या फिर फॉरेन से हैं, तो फॉरेन से हैं तो कैसे आपने टारगेट फिक्स किया कि यार मुझे फॉरेन से दिखाना है? भैया इंडिया के मेरे फॉलोवर सिर्फ 2600 फॉलोवर्स हैं, और बाकी के जितने भी फॉलोवर्स हैं नाइजीरिया, अफ्रीकन्स, फिलीपींस, सबसे ज़्यादा फॉलोवर्स मेरे फिलीपींस, मॉस्को, और क्या कहते हैं यूरोप, फिर
कजाकिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब फॉलोवर्स है। अब इन लोगों को टारगेट करने के लिए ही मैंने कपल्स वाले वीडियो लिए, क्यूटनेस वाले कपल होते हैं ना, उनके लिए ही मैंने ये वीडियो सिलेक्ट किए। और इंडिया के व्यूज मेरे कम आते हैं तो बाहर के मैं सिलेक्ट करता हूँ। और बाहर के लोग क्या करते हैं, जैसे क्यूट वाले कपल होते हैं ना, तो चाइना के ज्यादातर क्यूट कपल्स बहुत होते हैं और उनकी वीडियो ना बहुत जल्दी वायरल हो जाती है, क्यूट कपल वाले। हाँ, वो लोग गोरा गोरा रहते हैं, तो मेरा दाढ़ी वाढ़ी रहते हैं, गोरा गोरा रहते हैं, उनको वो बहुत जल्दी देखते हैं, इसलिए रील से ना जल्दी वायरल भी हो जाती है और उसका आरपीएम भी अच्छा बन जाता है। तो मेरे ज्यादातर जितने भी पेज हैं, अभी जैसे मेरे 7 पेज हैं, उसमें से ये जो मेरा मेन पेज अभी जिसके बारे में हम बात करें, मेरे सारे फॉलोअर्स बाहर के हैं। और दूसरे पेज है उसमें भी मैं दूसरे देश के ही फॉलोअर्स को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब देखिए कैसे ये अपनी वीडियो को फॉरेन में सिलेक्ट करते हैं, कैसे चूज करते हैं, उसके लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। उसके लिए सब्सक्राइब कर लो चैनल को, मैं क्योंकि अभी इसमें कवर करेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो उसके लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो सेटिंग के द्वारा बता देंगे, क्योंकि अभी बातों से बताएंगे तो समझ नहीं आएगा, स्क्रीन पे दिखाएंगे, तो इसलिए मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। अगर चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। चलिए अब बात करते हैं आपकी अभी महीने की पेमेंट अब कितनी हो जाती है। भैया इस महीने की तो पेमेंट जो भी बनेगी वो अभी तक तो $50 बन चुके हैं, लेकिन मेरा टारगेट है इस महीने का इंस्ट्रीम एड जैसे ही मेरा रिव्यू में से आ जाएगा तो $4,000 बनाने का टारगेट है। अब कहते हैं ना कि सपने बड़े ही देखने चाहिए, छोटे तो देखने नहीं चाहिए, तो मैंने टारगेट लिया है कि मैं इंस्ट्रीम एड और एड्स ऑन रील्स दोनों में से इस महीने $4,000 कमाऊंगा, ये मेरा टारगेट है। फिर उसमें जितने भी बनेंगे उसका मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगा, तो आप पब्लिक को बता देना कि भाई ये इसने बोला था ये इतना कर दिया, लेकिन लास्ट मंथ में मुझे 37,000 मतलब वही $450 में कमाया हूँ। तुमने $450 आपने कमाया, $40 भी आपने कमा लिया, क्यों दिसंबर में काम शुरू किया, अब दिसंबर जनवरी फरवरी, जनवरी में काम करके आप फरवरी में पैसा छापेंगे, मतलब एक दो तीन महीने के अंदर आपने काम किया, दो महीने के अंदर, ठीक है। तो आई होप मेरी जो ऑडियंस वो भी देख के सीखे, पैसे कमाए, ठीक, और बार बार ताकि चैनल पे आए और वीडियो को देखे सीखे। तो आई होप इस वीडियो से और भाई ने जो बताया उससे सीखे होंगे बहुत कुछ। बाकी चैनल पर नए हुआ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इनके पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।